सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, आप फिलहाल मेरे साथ सफर इंजॉय करें, और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे मैं इतने टाइम से कहाँ पे गायब था। गायब जहाँ पे मैं था वो दरअसल कुछ वजूहत थी। जब फिलहाल आप ये व्लॉग इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको हम सफर में इंजॉय करेंगे और व्लॉग इंजॉय करें। बस की रवानगी का जो टाइम है वो है 7 बजे, और अभी टाइम हो चुके तकरीबन 7:45। अभी बस में कोई भी नहीं है, अभी सिर्फ मैं आया हूँ। हालांकि टाइम ही होने वाला है पता नहीं, और आप हम करवा देते हैं बस टूर। टूर में ये सीट्स हैं, ठीक है, और बाहर से भी आपको दिखाते हैं। और ये सीट है, ये पाँव रखने की जगह है यहाँ पर, ये चीज़ है, और ये सामान रखने के लिए सीट पे जगह, ये लगी हुई है LED, ये है ड्राइवर का सिस्टम। इन बटन्स का मुझे तो नहीं पता, बट ये जो है गाड़ी है, ये दुलताला है। ये जिस मकाम पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये है दुलताला का मेन अड्डा। ये जो है यहाँ से आपको पिंडी गाड़ी भी मिल सकती है। ये अभी जैसे कि यहाँ से बस निकल रही है, ये फैजाबाद जाएगी। वैसे अभी सुबह का टाइम है तकरीबन 7 बजे का, तो ये इस वजह से यहाँ पर आपको रश नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ से गुजरना बाइक पे क्या पैदल का यहाँ पे गुजरना ही बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये MCB बैंक है, ये लाइट बैंक, अस्करी बैंक, मतलब ये मेन जो एरिया है ना अड्डे का, ये वो एरिया है। तो अब आपको हम इंजॉय करवाते हैं सफ़र, हम रास्ते में चलेंगे तो आपको मैं आप सफ़र दिखाता हूँ। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, और शुरू करते हैं न्यू ब्लॉग। यहाँ से भी हम निकलेंगे और यहाँ पे 5 से 7 मिनट का स्टे था। ये रही बस, यहाँ से भी हम बस निकलेंगे इसी तरफ अगले सफर के लिए। आपको यहाँ से आगे सफर दिखाते हैं। कटोरे दुध दे वांगू सुहानी रात होवेगी, जदों तू चन्न वेखेगी ते तेरी अख रोवेगी। ये चीज़ मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह मोटरवे पुलिस ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि इस चीज़ से हादसा होने से कितने ज़्यादा जो है सेफ़ है मोटरवे, कि वरना कभी कोई न्यूज़ कभी कोई न्यूज़ के यहाँ पे हादसा हो गया है कभी क्या, लेकिन इनकी माशाल्लाह इनको अप्रिशिएट करना चाहिए मोटरवे पुलिस को कि इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। हमारे पीछे जो है 8 से 9 बसेस थी जो कि एक रो में चल रही थी और ये एक नॉर्मल स्पीड में जा रहे थे। इन्होंने टोटल ये जितनी भी हैं मोड़ हैं सारे मोड़वाए हैं, उसके बाद जो है इन्होंने इनको एक दिए रूट के अब आप जा सकते हैं। अभी हम स्टेशन से उतरे हैं और हम बैठे हैं ये रिक्शे में, और मुझे अभी भी कुछ पता नहीं है मैं किधर जा रहा हूँ। जिसके पास आया हूँ उसे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उससे रिक्शे वाले से बात की, रिक्शे वाले भाई से, और ये मुझे लेके जा रहे हैं। जो दिक्कत होता है फिर आपको बता। अभी मैंने किया नमाज अदा और अभी हम आए हैं, ये है फैसलाबाद का घंटाघर, अल मशहूर फैसलाबाद, और ये मैंने फिर कुछ स्नैप्स ली थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी, और ये क्लिक भी की कुछ पिक्चर ये मैंने ऐड कर दी। अभी हम जा रहे हैं कुछ और जगह विज़िट करने के लिए, जैसे कि ये है अब्दुल रशीद चौक, ये आप देख सकते हैं ये फैसलाबाद की पहचान है क्योंकि ये इंडस्ट्री एरिया है फैसलाबाद, तो इस वजह से यादगार के तौर पर यह बनाया गया है। अच्छा, जब मैं चकवाल से निकला तो वहाँ से ही जो है ना ये जो आजकल वैसे भी मीडिया में मशहूर है कि पोल्यूशन, ये चीज़ फील हो रही थी मुझे रास्ते में, लेकिन खूबसूरती अपनी जगह माशाल्लाह। आप देखें कितना खूबसूरत है फैसलाबाद, मैंने बड़ा इंजॉय किया फैसलाबाद में। क्या रोड्स खूबसूरत, खुली खुली सड़कें, और जो पोल्यूशन वगैरह थी वो अपनी जगह, लेकिन खूबसूरती इसकी अपनी जगह। जैसे कि चौक देखें कितना प्यारा बनाया गया है, मतलब घूमने का मज़ा आता है, लाइट्स और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ये है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन फैसलाबाद, ये मैंने कवर किया लेकिन रात होने की वजह से सही आ नहीं सका ये, लेकिन ये स्टेट बैंक है।
अब हम आ चुके हैं यहाँ से चाट खाने के लिए। ये फैसलाबाद की सबसे मशहूर चाट है, 35 साल पुरानी चाट है ये। तो ये है जी अल अजीज़िया अल मशहूर। मैं वापस जा रहा था तो मैंने कहा ये शॉट लेते चलें आपके लिए, तो ये मैंने रिक्शे में से ही लिया है ये। तो अभी हम वापस अगले सिटी जा रहे हैं। अभी मैं एडिटिंग कर रहा था तो मैंने देखा मैंने तो एंड शॉट लिया ही नहीं था, आप ओला फिर सुखा ही नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट्स में गेस करिएगा कि मैं इस टाइम कौन सी सिटी में हूँ। इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अब आपको दिखाते हैं फैसलाबाद के कुछ शॉट्स, आप लोग को इंजॉय करके उसके बाद अल्लाह हाफिज़। जदों मगरूर होंदी सन मेरे नाल जुस पैंदी।